ओके सो हे गाइस, तो गुड मॉर्निंग। आई होप सब ठीक होंगे और अच्छे होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी मिस्टर माई। तो आज की ब्लॉग ये भैया के घर की ओर से, मतलब तो आज यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट कर गए। एंड आज भैया के घर का ओपनिंग है, बोले तो मतलब कजिन भैया है भैया बस्ती का, सो उनका घर का ओपनिंग है। तो पहले हम देखते हैं घर में क्या हो रहा है, चलिए जाके देखते हैं क्या हो रहा है ना, सबको भी दिखाते हैं। वाओ अबलेश, हाय करो। रहा और बिग साइड वाला नया घर बने वाला। सो ये अभी मतलब ओपनिंग है, चर्च बैठने वाला है, तो इसलिए ये लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये बस्ती के बुढ़िया लोग, यहाँ पे ओपनिंग होगा। सो आप लोग हम घर घुस के देखेंगे, चले अभी घुसने देगा कि नहीं होगा जाके देख सकते हैं। यहाँ में मीट बना रहे, देखिए नादिया आप जिल्लिन का बसने जगह सर, ये फेट है। दिस ब्यूटीफुल हाउस। तो फिलहाल तो अभी घर के अंदर घुसने नहीं सके हैं कि ओपनिंग होने का ना, पास तो रहना पड़ेगा चर्च बैठने का, तो इसके बाद ही ओपनिंग होगा, तो बाद में देखेंगे आपको घर को। साहब क्या लिया है, देखिए आप इसको पीगा। ओके सो है गैस, तो अभी हम दोनों वापस घर जाएगा क्योंकि ये ओके सो गैस, तो हम लोग घर वापस जाएगा क्योंकि हम लोग का तो कुछ इरादा नहीं था, प्लानिंग नहीं था यहाँ ये करने का, आने होने का। मेरे को तो पता भी नहीं था यह पार्टी उट्टी होने वाले वाले ओपनिंग है वाले के घर का। तो एक्चुअली हम लोग जो ये को पहुँचने आया था, बड़ा मम्मी को पहुँचने आया था, मम्मी को। तो अभी हम लोग वापस जाएगा घर की ओर, हम दोनों आए हैं। देखो हाय, ये वो दिखती है। गाना गाओ तो नहीं गएगा, होगा तो अच्छी मोरम नहीं करेगा। ये वो दिखती है जब मूड और नहीं, गाना ऐसे गाते हैं मूड नहीं होने से किसी का भी बात नहीं सुनेगा। तो अभी तो फिलहाल हम लोग घर जाएगा, चलते हैं और बाद में आकर वापस आकर ये करेगा घर को, घर का नज़ारा लुक्स देखेगा, अंदर कैसे कैसे बना है ना, स्ट्रक्चर कैसे क्या है। चलते हैं, तो चलिए घर चलते हैं और फिर बाद में मिलेंगे। बाय बाय, सी यू, ब्रेक के बाद मिलते हैं। सो ये रहा देखिए घर का रास्ता, जो हम दोनों अभी घर से निकल गया, आई मीन नॉट हम लोग मेरा घर का रास्ता, ये जो भैया का घर का रास्ता उस हम निकल गया। देखिए ये ऊपर वाला जो लेफ्ट साइड वाला जो पहाड़ जो ट्रेन पटरी है, ये देखिए जमीन कितना बड़ा, जमीन देखने से बहुत लालच लगता है, मेरे को भी ऐसे जमीन चाहिए बड़ा हो रहा। देखिए वाह कितना खूबसूरत है ना, देखिए। सो पहले तो ये करेगा क्या बोलता है, अभी शायद 10 बजे को फिर भैया को ले जाना है हॉस्पिटल में, क्योंकि भैया का पाँव को फ्रैक्चर हो गया शायद कल क्रिकेट खेल के, नी में ऐसा कुछ हो गया तो पेन हो रहा है, तो उसको हम दोनों ने सुबह को गया था लेकिन एक्सरे करने के गया था, लेकिन वो उसने डॉक्टर किसे वो रिसिप्ट लेके आने के लिए बोला है, विदाउट रिसिप्ट वो नहीं करेगा बोला, तो इसलिए पहले हम लोग डॉक्टर को वेट करें। तो अभी 10 बजे शायद कॉल डॉक्टर आ जाएगा, तो हम लोग 10 बजे ये हॉस्पिटल का ये कॉलता है इसमें आता है, मतलब डॉक्टर लोग जो 10 बजे को ही, तो मान लो तो मेडिकल भी 10 बजे को ही खोलते हैं ऐसे, लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं है। तो मेन चीज़ एक्चुअली डॉक्टर को तो आना चाहिए, 9 बजे को आना चाहिए, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर लेट भी नहीं बैठता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटा ही सिर्फ बैठता है, इसके बाद चला जाते हैं, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं घर। आप ख़त्म कर दिया हाँ, ये जो अभी गुस्सा हो रहा था क्यों हो रहा था हमको भी नहीं पता था, इसके बाद देखा तो उनका जूस को खोल दो, नहीं खोल लिया बोल के, और ये हमको खोल दो बोला भी नहीं, बस ऐसे गुस्सा कर रहा था, ये ऐसे इसका आदत ही है ना, बोले एक्टिंग बहुत नकरे है आप जो, ये जो बहुत ज़्यादा ही एक्टिंग करता है। तो चलिए चलते हैं घर, मिलेंगे बाद में, बाय बाय, सी यू। बस ये देखिए मेरा हाल किया हुई किचर हो गया, देखियो एक्चुअली हमने जो एक दीदी का हुआ स्कूटी किचन में घुस के घुस गया था, वो जो दर्द रास्ता में वह पानी बोल रही तो वह घुस गया था, हमने उसको हेल्प किया, उसका निकाल लेते।
और मेरा हालत, चले पहले धो लेते। देखिए मेरा पाव कितना गंदा हो गया वो स्कूटी को निकलने में, तो धोते हैं इनको। सीरियसली ये देखिए इतना बड़ा हॉस्पिटल है, पार्किंग जगह नहीं, हमको पार्किंग जगह नहीं मिले तो हम वापस निकल रहे हैं, मट्टा खराब हो गया। इतना बड़ा हॉस्पिटल है अरुणाचल का, यहाँ का रिम्स हॉस्पिटल, काम नहीं है, पार्किंग प्लेस नहीं है, तो अभी पार्किंग जगह नहीं इसलिए तो बाहर वापस जा रहे हैं। और बाहर में भी और भी नहीं है, रास्ता कोरोना पूरा पार्किंग भरती गाड़ी है, हर जगह तक है, कोई भी पार्किंग प्लेस नहीं है। वही सोच रहे कहाँ में हम गाड़ी को रखेंगे, काम तो वहाँ में भैया को हम उसमें ड्रॉप कर दिया, वो फ्रंटियर में ड्रॉप कर जाएगी, मैं वहाँ से देखिए हम अभी अंदर से पार्किंग प्लेस ही नहीं है, तो चले देखते हैं बाहर जाके ना पार्किंग जगह ढूंढते हैं, देखते हैं। देन यहाँ भी चेक करेंगे, पार्किंग प्लेस ही नहीं है, ऑलमोस्ट हम 100 meters जितना बहुत डिस्टेंस आ गया लेकिन पार्किंग प्लेस नहीं मिल रहा है, तो जिंदगी में बहुत दुख का बात है, हमको पार्किंग जगह नहीं मिले ट्रिम्स में, नाहरलगन का जो हम लोग अरुणाचल प्रदेश के स्टेट के स्टेट हॉस्पिटल में सबसे बड़ा जो है जो पार्किंग जगह ही दार नहीं मिले, ये बहुत दुख लगा है देखने के बाद ना। तो अभी हम वापस निकल गया है, भैया को चुड़ गया, तो जब वो मेरा उसका काम हो जाएगा डॉक्टर चेकअप करा चेक करा के एंड इसके बाद में हम आइए उसको दार पिकअप करिए। बोल के दार उसमें टोटली पार्किंग जगह नहीं है, इवन रुकने का भी जगह नहीं है, तो हल्का सा रुक के बैठने का भी जगह नहीं है, इतना टाइट है ना। तो एटलीस्ट मोर देन 5000 गाड़ी एटलीस्ट घुसने का ना पार्किंग प्लेस बनाना है, इतना टाइट था ना। और सबसे आओ आज तो हम पहले अभी इस्लाम में, तो अभी थोड़ा सा वो बेटी का उस दिन हमने टेप को दे के रखा था सैमसंग टेप को बनाने के लिए, तो लेकिन वो नहीं बनेगा उसको, फिर हम वापस लेने जा रहे हैं। हम बहुत भूल गया था ये, बहुत बुलत्कार है, हम ना भूल जाते कब क्या क्या, और एक चीज़ भूल गया लेकिन वो चीज़ नहीं बोलेगा उसके बाद बताएंगे। तो चलिए चलते हैं, पहले टेप को लेते हैं देन इसके बाद में भैया को पिकअप कर लेते हैं। चलिए ओके, सो है गैस, तो मेरे को बहुत नींद लग रहा है लेकिन क्या करें, लगन से मेडिकल से आ गया था घर में, आगे पे पापा से रेस्ट करने को मिला ही नहीं, थोड़ा सा बैठे हैं 1 मिनट ही बैठे हैं सीधा, फिर मार्केटिंग करने के लिए लेकर आ गया यार, जिंदगी है वो रेसिस करने में मौका मिलता ही नहीं, गाड़ी चलाने आने का ना यही चीज़ ना बोरिंग है ना, काम ऐसा लगेगा ना ऐसा लगेगा ना अब बोर हो जाएगा, दोबारा गाड़ी चुने बंद नहीं हो गए ऐसे वाला सोचे, खास चलाने नहीं सीखने से दिखता ऐसे वाला सोचे, गाड़ी चलाने से यही फंडा है मेरा, क्या क्या अभी 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 किस किस को के एन उसके बाद में किसी को पहुंचा नहीं देगा एन, या तो ये करेगा अभी काम लगे। तो एक्चुअली बात जो ये है कि मम्मी और बाइटो दोनों जो मार्केटिंग सब्जी लेने के लिए गया है, और अभी हम सोचे घर का बच्चा के लिए कुछ खाने उने के लिए लेगा, कुछ मुचर ले लेगा, क्या ना मिलेगा कि नहीं देखते हैं यहाँ से। और ये हम सैटरडे मार्केट है ये जो, चलो चलते हैं मार्केट, ये ना मार्केट में ब्लॉग नहीं बनाते ये, मेरे को मेरे पास वो वाला हिम्मत नहीं है जो मार्केट में पसंद नहीं, मैं बात करिए ना, और फोन से बहुत अजीब लगता है इसे पकड़ के घूमने के लिए, हाँ एक ये होने से दिक्कत सब हम छोटे से सीखे, और साथ में हाँ एयरफोन होने से, चलो कोई बात नहीं देखते हैं क्या होता है। ये रहा मार्केट, गर्म पहने मार्केट बहुत बड़ा और पार्किंग करने की जगह भी नहीं है, ये देखिए ये वाला चीज़, सो गाइस आप बिलीव नहीं करेगा कि कितना गर्म है ना यहाँ में, गर्म पाने में गर्म मरने वाले गाड़ी के अंदर भी रहते हैं, पूरा पार्किंग भरती है गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म पाने आया
जो जो सामान लेना था हम ले ले, बच्चे लोग ले जो जो खाना था। तेरा मार्केट अंदर ले कुछ की दिया है, क्या हाल चल है ना। ओके दोस्त, तो आजिंगो बाहर कितना गर्म है पता नहीं है ना आप लोगों को। तोरा मार्केट घुसे इतना भयानक गर्म है ना अपा, अभी भी यार गाड़ी के अंदर में बहुत गर्म लग रही है। बाहर बाहर से तो बेटर है यार, इतना गर्म है, चाय जगह भी नहीं है ना पार्किंग करने का जगह में जगह। सो मेरे को बहुत तकलीफ लग रहा है यार, गर्म उपाय नहीं हो, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। ये पीछे वाले ये स्कॉर्पियो का साइड में थोड़ा छुपाने के लिए ट्राई करेगा। चले सो से बुद्धू की बात साइड में भी ये चाबी को देखो, गाड़ी के अंदर में चोर के चला गया, देखो गाड़ी लोग हो गया, चाबी के अंदर में लोग करके चला गया। अब ये लॉक खोलने के लिए कर रहा है, अच्छी खोल पाते कि नहीं खोल पाते, या तो चाबी उतारने के लिए कर रहे हैं। लकीली ये लोग एक खिड़की जो खोला हुआ है तो वहाँ से वो लोग चाबी को लेने के लिए कर रहे हैं, मे भी या तो लोग खोलने के लिए कर रहे हैं। देखिए ट्राई कर रहे हैं निकलने के लिए या लॉक को खोलने के लिए, दरवाजे का लॉक को, चाबी तो अंदर में रहेगी लॉक हो गया, इसलिए हमें से चाबी को केयर करना है। ये सब तो केयरलेस का वजह से होते हैं ना। ओके सो फाइनली देखिए ये लोग दरवाजा का लॉक खोल लिया, अभी इतना लकी ले देखिए, एक आईना जो डाउन हो गया था नहीं तो देखिए क्या होना था। ये लोग घर जाओ एक्स्ट्रा चाबी लेने लेकर आना था, इतना लकी से खोल लिया। सो है गाइस, सो गुड आफ्टरनून अगेन। एंड हमने जो जो जितना मार्केटिंग करना था हम जो पूरा करके आ गया, तो करने के बाद में हमने घर में जाके खाना वाना भी खा लिया। देन उसके बाद में फिर वापस अभी आसम जा रहे हैं। जिंदगी में थकान उपाय नहीं, रेस्ट करने का मौका ही नहीं मिल रहा पहले से, खाना भी शांति से खाने नहीं मिला, बहुत पसीना निकल रहा है। अभी जाएगा आसम में, आसम जाके मतलब वो थोड़ा लेबर लेने जाएगा मम्मी के साथ में, केटी करने वाला लेबर तो उनको लेके आ रहा, लेकर आएगा। हम बहुत थक गए फिलहाल तो, थोड़ा ड्राइविंग कर कर करके सुबह से रेस्टलेस, कुछ रेस्ट करने नहीं मिल रहा, इसलिए बोलते जो गाड़ी नहीं सकता सको ही मत, चलाने मत सीखो, काम पे काम लगते रहेगा। चुपचाप टू व्हीलर पकड़े हुए, फोर व्हीलर मत चला यार, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कोई बात नहीं, लेट्स गो, चलो चलते हैं आसाम की ओर। बाय बाय, सी यू। ओके सो है गैस, हम कहा है गेस करके देखो, गेस करने की क्या जरूरत, हम पहले बता चुके। एक्चुअली हम आसाम में लखीमपुर, और आप लोग हम एक नज़ारा दिखाएगा, खूबसूरत वाला नज़ारा। वो देखिए ये आप देख सकते हैं, ये चाय पट्टी वगैरह टी गार्डन है, देखिए बहुत बड़ा है ये हर मुठी का, ये जो मतलब एक दिन में ना घूम के भी इसको ख़त्म नहीं कंप्लीट नहीं कर सके, बहुत बड़ा है ये, जो उस पार में भी है बहुत बड़ा ये, जो चलते ऊपर तक है। अभी एक्चुअली यही लेबर लेने है तो मम्मी जो बात कर रहे हैं, आसम का मजा ही अलग है। चले ये रहा आसमान, 10-15 सो एस गुड इवनिंग। सो अभी तक हम फिलहाल आसम में ही है, मेरे को बहुत थकान महसूस हो रही है, बहुत थक गया हम जो, और नींद तो बहुत लग रहा है भाई, क्या करेगा
आया माय लेट पेट कर क्या कहा से क्या क्या घुमा रहे हम दोनों हमको ना पूरी हो गई तो ये गर्म ही लगे नहाने का कुछ मतलब ही नहीं है पूरा अनफ्रेश हो गया पूरा अनफ्रेश लग रहा है नहाने के नहा के निकला तो इतना गर्म है ना आज का धूप अभी भी माँ जो यार रुका हुआ है फिर और अलग क्या उसको ले और उसको बात करने के लिए कर एक तो जो लिया था वो तगा दे मतलब पैसा लेने का तगा दे तो उसको बाद में दिन बात कर लेगा उसको चीज़ को तो फिलहाल तो अभी वापस घर ही जाएगा तो चलते हैं घर की ओर मिलेंगे बाद में एंड सी यू बाय बाय देख के बाद मिलते हैं तो है गैस क्यों देख नहीं तो हम अभी पेसूस तो ले क्या क्या चला कर रहा तो हमने सो एक्चुअली बात यह है कि हम अभी तो रपिले है असम से अब बाद में बहुत तक महसूस कर रहे सो अब खराबाद में चला जाएगा ना सो अब तक क्या 10 पीरियड्स के बाद में अभी दोस्त लोग फिर क्या प्लानिंग कर रहे हैं तो वहाँ फिर जाना पड़ेगा बुला रहे सुबह से आना जाना जाना पूरा तक गया पेट खराब हो गया अभी बच्चों में बैठ गया सो आज का ब्लॉग यहीं पे ही खत्म करते हैं क्योंकि अभी हम जो दोस्त के पास में जाएगा सो इसलिए आज का ब्लॉग यहीं पे ही खत्म करते हैं ओके सो बाय बाय गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच और जिस जिसने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना बाय सी यू टेक केयर लव यू ऑल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में बाय बाय